आप बॉर्न मुस्लिम फैमिली से थी, बट आपने इस्लाम छोड़कर स्नाते धर्म को पीस नहीं मिल रहे हैं, और इसमें मुझे कहीं पर वुमेन का जो एक 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 रिस्पेक्ट है वो मुझे नहीं दिखी। तो मुझे है जाना है आपके बारे में। तो आप बॉर्न मुस्लिम फैमिली से थी, बट आपने इस्लाम छोड़कर स्नाते धर्म को एहतराम मतलब कर लिया। और अगर हम बात करें तो इस टाइम आप, मैं कह सकती हूँ, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो क्या वजूहत है जो आपने इस्लाम को छोड़ा? इस्लामिक फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी आपने इस्लाम को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वजूहत? मैं जब बहुत छोटी सी थी, तो जैसे मतलब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक शिया कम्युनिटी में पैदा हुई थी, और जिस तरीके से हम सब जैसे कुरान पढ़ते हैं, हमको भी कुरान पढ़ाया गया, हमें भी उसकी तालीम दी गई, बट मैंने मायने से कभी भी नहीं जाना अंटिल मच लेटर लाइफ में। तो जब मैं 17-18 साल की थी, तो आई वॉन्टेड टू रीड एंड नो वॉट एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसमें और क्या चीज, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, जो हमारी तो लैंग्वेज है नहीं। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, आई डोंट नो, समवेयर मुझे ऐसा लगा दैट दिस रिलीजन इज नॉट फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देर आर मेनी थिंग्स जो मुझे विमेन के हिसाब से मुझे ऐसे लगी दैट दिस इज नॉट फॉर मी। मैं अपनी बात सिर्फ करती हूँ कि मैंने इस्लाम को बहुत जल्दी छोड़ा। मैंने आई वॉज ओनली 20, मे बी नॉट इवन 20 जब मैंने इस्लाम छोड़ा, एंड टूडे, और फिर बहुत साल तक मैं एक एग्नोस्टिक की तरह, एक एथिस्ट की तरह रही। आई हैड नो रिलीजन, आई वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू एनी रिलीजन। मैं थोड़ा बहुत बुद्धिस्ट का मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जाना, लेकिन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो उसके बाद मैं अभी समझो एक 15 years back only I came into सनातन। बहुत साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए, बट देन आई चोज सनातन, और फिर मैं एक सनातनी बन गई। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो एक हिंदू है, लेकिन उनकी वजह से मैंने सनातन को नहीं अपनाया। मैंने बहुत लेट लाइफ में सनातन को अपनाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो के एग्जैक्टली मैं वॉट एम आई लुकिंग फॉर। मुझे ऐसा पता चलना चाहिए कि मैं किस रिलीजन में जाना चाहती हूँ, या मैं क्या किस रिलीजन से मुझे सुकून मिलता है। सो दैट आई फाउंड इन सनातन, एंड दैट इज हाउ आई केम इनटू सनातन। जी अगर हम बात करें तो आप जैसे मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुई थी, तो अभी भी जैसे आपने इस्लाम को छोड़ा, तो क्या मतलब एक होता है ना, सारे प्रेशर डालते हैं कि यार ये तुम क्या कर रही हो, क्योंकि आपकी उम्र भी छोटी थी। तो उस टाइम पे कहते हैं कि कच्चा माइंड होता है, बच्चे को नहीं पता होता बच्चा क्या कर रहा है। तो क्या मतलब रद्द अमल था लोगों का, आपके पेरेंट्स का, बहन भैया, इसी सोसाइटी का क्या रद्द अमल था? मैं अगर तुम ये कह रही हो कि मतलब अगर 18 और 19 साल में दिमाग अगर वो होता है, तो फिर बच्चों की शादी इतनी जल्दी करा दी जाती है और इतने बच्चे की लाइन लगा दी जाती है, तो क्या वो उम्र कम नहीं होती है उनकी? बहुत ज्यादा कम होती है। मेरे लिए सोसाइटी का प्रेशर इतना नहीं था जितना मेरे खुद के फैमिली का था। मैंने जब छोड़ा तो बहुत साल तक मेरे फादर मेरे से बहुत नाराज रहे, बहुत ज्यादा, लेकिन आई हैड टू, मतलब आई हैड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस चीज में नहीं मानती हूँ उससे सिर्फ दिखावे के लिए मैं इसको परस्यू करूँ, ये मैं नहीं चाहती थी। सो सोसाइटी का तो ज्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये एक रीजन हो सकता है कि मैं, आई डोंट बिलीव इन गिविंग रीजन्स टू एनीबॉडी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर, अगर आपका जो रिलेशन आपके जो खुदा से, भगवान से जो भी है, वो बहुत पर्सनल है, नोबॉडी हैज गॉट टू इंटरफियर, किसी को भी इंटरफियर इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने अमाल अपने साथ अगर लेके जाता है, तो मुझे लगता है कि दूसरों को इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने भी मुझे हिदायत देने की कोशिश की, लाइक दैट व्हाट आई वाज डूइंग वाज रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर मुझे जब लगा कि मुझे मुझे इसमें इसमें मुझे पीस नहीं मिल रहा है, और इसमें मुझे कहीं पर वुमेन का जो एक 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 रिस्पेक्ट है वो मुझे नहीं दिखी, तो मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए छोड़ा। बट सिर्फ पेरेंटल प्रेशर थोड़ा था, मतलब एक थोड़ा सा उनको बहुत बुरा लग गया, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी को आंसरेबल होने की जरूरत थी। जी
मैम एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, बीइंग अ मुस्लिम, मैं मतलब एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो काफी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि औरत पे पर्दा है, और वो मर्दों को उस तरह से नहीं हम ट्रीट करवाते जिस तरह से औरतों को कराते हैं, और आई थिंक सो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन सोसाइटी अफेक्ट करती है, आपको पता है पाकिस्तान में माहौल भी कुछ ऐसा है, इर्द गिर्द तो मर्द देखने लग जाते हैं, अबाया पहनो तो मर्द कहते हैं ये मतलब घरेलू औरत अच्छी औरत है, इस तरह की हमारी मेंटेलिटी भी वैसे बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, तो क्या शुरू में आपने ऑब्जर्व किया इस्लाम के अंदर, और अब क्या ऑब्जर्व आपकी ऑब्जर्वेशन है हिंदू एक धर्म के अंदर, क्या डिफरेंस क्या देखा आपने? बहुत ज्यादा डिफरेंस देखती हूँ, क्योंकि मैं आज भी अगर ये देखूं विद एजुकेशन में अगर देखूं तो आज मैं अपने बच्चों को सबसे बेस्ट तालीम दे सकी, उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकी फॉर ह्यूमैनिटी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं और मेरे मेरे बच्चे और मैं खुद भी सोसाइटी के लिए एक अच्छी मिसाल बने, ना कि ये कि मैं जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग बुरखा तो मैं मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। वो तो हम इस्लाम के असूलों को फॉलो करते हुए एजुकेशन तो हम वहां पे भी ले सकते थे ना, मतलब जैसे अगर हम बात करें, हम ये तो नहीं कहता कि आपने एजुकेशन नहीं ले ली, कितनी लड़कियां फिर पढ़ी लिखी हैं इस्लाम में, कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी है, कितनी लड़कियां जॉब करती है, या कितनी लड़कियां राइट्स मांग सकती है, या कितनी लड़कियां यू नो कोई चीज अपनी मतलब एक एक होता है ना कि एक फैमिली होती है जिसके अंदर तुम जब बात करते हो तो तुम्हारी बातों को भी तवज्जो दी जाती है, तुमको एक औरत हो इसलिए तुम कोई चीज यू नो यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द फैमिली। मुझे बताओ कितनी लड़कियां हैं ऐसी, अगर ये कहते हैं कि हम पढ़ाते लिखाते हैं तो मुझे बताओ कि कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, कितनी लड़कियां सही में पढ़ सकती हैं, जहां 18 साल की नहीं हुई, जहां 16 साल की नहीं हुई, या मैं कहूंगी कि जहां पर अब तो चलो 18 हमारे यहाँ तो इंडिया में 18 हो गया है, अदरवाइज अगर आप देखने जाओ तो 13 साल की वंस शी स्टार्ट गेटिंग हर पीरियड्स, या फिर वो जैसी जवान हो जाती है बस यही चिंता हो जाती है माँ बाप को कि भाई हमको इसकी शादी करके देनी है। मैं वही कहती हूँ कि विमेन के ऊपर इतना ज्यादा जो एक चीज लगा दी गई है दैट यू नो कि सारी चीज की जिम्मेदार एक विमेन है, दैट इज नॉट फॉर मी। मेरे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे, सिर्फ एक ही चीज का ये नहीं है कि बस जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मदरसों में तालीम लेना ही सबसे बड़ा वो माना जाता है, जबकि अगर आप देखो अगर दुनिया में जाकर देखो तो यू नो योर रिलीजन हैज टू बी वेरी प्राइवेट, जो आपका प्राइवेट है। मैं ये नहीं कहती कि आप मत पढ़ो कुरान, ऑफ कोर्स आप पढ़ो, आपको अगर अच्छा लगता है, आप अपने रिलीजन में हो, अगर आपको समझ में आता है आप करो, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरी जो चीजें हैं, जो दुनिया की जो चीजें हैं उसके अंदर आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ पर जाकर स्टैंड करेगा, कहाँ पर जाकर उसका दिमाग और जहन नहीं खुलता है, बिकॉज वो कहीं कुछ और देखता ही नहीं है, वो कुछ और सीखता ही नहीं है, वो जब स्कूल नहीं जाएगा, वो जब देखेगा नहीं, वो जब लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेगा। और पहली बात तो ये है कि सबको अपनाना, मैंने सनातन में ये बहुत अच्छी चीज सीखी है कि हम सबको अपनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये काफिर है या फिर ये सनातन नहीं है तो ये ऐसा है, वी डू नॉट जज पीपल एट ऑल। ये मुझे लगता है दैट इज द थिंग दैट अट्रैक्टेड मी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर हर एक रिलीजन को चलो ठीक है, अगर आप उसको अपना रिलीजन को सबसे अच्छा मानते हो ठीक है, बट दूसरे को डिग्रेड करने का कोई हक नहीं बनता है किसी भी कौम में, किसी भी चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो, किसी को भी ये राइट नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाएं। आप अपना बेहतर समझे कि हम नंबर वन है, बट यू हैव नो राइट कि आप किसी को डिग्रेड करें। जी बिल्कुल, ये बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ मैम कि हमें किसी के भी रिलीजियस पे बात नहीं करनी चाहिए, किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे वो खुदा मतलब हमारा हो या फिर उनका हो, कोई भी हम लोगों को राइट नहीं है, और ना ही हमारा इस्लाम या दीन ये कहता है कि किसी के खुदा को बुरा कहना चाहिए। अच्छा मैम, अब एक टॉपिक है जो कि आपसे भी मिलता जुलता है, तो हम बात करने लगे हैं सीमा हैदर और अंजू की। अगर हम बात करें मैम, पहले सीमा गई बॉर्डर पार करके इंडिया, अब यहाँ पर ये चीज बड़ी वायरल हो रही थी कि हिंदुस्तानी लड़के पाकिस्तानी लड़की को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और हिंदुस्तानी लड़के जो है वो
वो वैसे ही बड़े खूबसूरत हैं, इस तरह की काफी बातें होने लग गई। अब दूसरी चीज हमारे सामने आ गई कि सीमा ने वहां जाके इस्लाम छोड़ के तो हिंदू धर्म को अपना लिया। तो पहले तो ये वीडियोस वायरल हो रही थी सीमा की, तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कौन, आपको भी पता है इख्तलाफात बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बातें बाहर आ रही। अब दूसरी हमने चीज देखी कि अंजू सीमा के सभी मतलब कूल डाउन नहीं हुआ तो साथ ही अंजू के सामने आ गया, अंजू बॉर्डर पार करके पाकिस्तान आ गई। अब इसकी जाने वो हम देखें तो ऐसे फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी लड़के अंजू हिंदुस्तानी लड़कों को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, और वहां पर आके अंजू ने अपना धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। क्या डिफरेंस आप इस दोनों केसेस में देखती हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पीरियड में दोनों आगे पीछे, और उसने अपना धर्म छोड़ के उधर चेंज कर लिया, उसने अपना धर्म छोड़ के इधर आगे। अनम, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म चेंज करना किसी के लिए भी, किसी और के लिए इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं जानती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने जब एक हिंदू मेरे हस्बैंड से जब मैंने शादी की तो मैंने हिंदू धर्म नहीं अपनाया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए मैं क्यों, रिलीजन चेंज करने की बात क्यों आती है। पहली बात तो ये है, अगर सीमा यहाँ पर आ गई है एंड ऑल ऑफ अ सडन वो बिंदी लगाने लग गई है, वो अपने वो कलमा तक भूल गई है, उसे कलमा नहीं पता, उसे आज मैंने अपना अपना रिलीजन छोड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 40 years से ऊपर हो गया, 50 years हो गया, आज तक मुझे पूरा फातिहा पता है, मुझे कलमे पता है, हाउ कैन यू फॉरगेट, How can you forget? जबकि मैं छोड़ चुकी हूँ when I was in my 20s, तब मैंने छोड़ा है, when I was not even 20, जब मैंने छोड़ा है, तो आज तक मुझे कैसे याद है? हालांकि ये जो लड़की आई है सीमा, इसको कलमा तक नहीं आता है, उसको पहला कलमा नहीं आता है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ भी नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थोड़े दिन का जो है ना कि प्यार में हमने अपना रिलीजन चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉय, सिर्फ लड़के के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। अगर आप सही में उस रिलीजन को प्यार करते हो, उस रिलीजन को चाहते हो, तो एक अलग बात है, बट सिर्फ एक लड़के को पाने के लिए आप एक हिंदू बन गई, वो एक मुस्लिम बन गई, ये मेरे समझ से दूर है, मेरे समझ में ही नहीं आती ये बात कि आप कितने टाइम तक रहोगी, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है उस रिलीजन के बारे में, बिकॉज यू डोंट नो। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मतलब अंजू को वहां पर उसको शादी करनी थी उससे, तो उसने इस्लाम अपना लिया, इसको शादी करनी थी इसने सनातन, हालांकि दोनों इतनी स्टुपिड वुमेन्स है कि दोनों ने अपने फर्स्ट हस्बैंड से तलाक नहीं लिए, ना इसने लिए ना उसने लिए वहां पर। चलो हमारे यहाँ तो हर चीज लेकिन इंडिया में हर चीज लाइटली ले लिया जाता है, अब पाकिस्तान में अगर वो लड़की आई है अंजू, She has not given divorce to her, उसका हस्बैंड ने उसको डिवोर्स नहीं दिया, they are legally married in the court. तो अगर वहां तक उसने अगर कोर्ट से अगर उसने अभी तक तलाक नहीं ली तो उसको अपनाया कैसे इस लड़के ने, खेल है, मुझे तो लगता है ये खेल है। आपने कैसे एक किसी की बीवी को बगैर तलाक उसने तलाक लेकर भी नहीं आई है, और आपने उसको उससे शादी भी कर ली, उसका धर्म भी चेंज कर दिया, उसको फातिमा बना दिया, ओके उसके बाद उसको इद्दत, अगर वो मुसलमान बन गई, अगर वो फातिमा बन गई है, तो उसके इद्दत की पीरियड कहाँ चली गई, कहाँ है वो, तो मतलब खेल बना दिया है, दिस इज लाइक अ जोक, एक जोक और एक सर्कस हो गया है कि हमारी वहां चली गई, वहां की यहाँ आ गई, जी खेल, तो मतलब किसका खेल, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर बात करें जब सीमा यहाँ से गई तो इंडिया से हमें ये न्यूज आ रही थी कि ISI की जानिब से सीमा को भेजा गया, ISI की ये एजेंट है, और जब सीमा के बारे में ऐसा बोला गया तो उसके मुकाबले में हम अंजू को लें तो अंजू ने भी वही सब कुछ किया जो सीमा ने वहां जाके किया। अब अंजू अब यहाँ पर आई है तो क्या हम ये भी समझे कि इंडिया की जानिब से एजेंसी की मुंह तोड़ एक जवाब मिला है या फिर रॉ का काम है, क्या हम इसको क्या, मैं अगर आप देखने चाहो तो सीमा जिस हालात से और जिस तरीके से आई है बहुत गलत था, उसने जो मतलब उसने देर वॉज नॉट अ प्रॉपर थिंग। अब अंजू जो यहाँ से गई है वो प्रॉपर वीजा लेकर गई है, जिस तरीके से सीमा आई थी, जिस तरीके से अपने बच्चों को लाई थी, उसने किसी ऐसे मत के बच्चों को अलग कर दिया है, द थिंग इज दैट कि उसने पहली बात तो तलाक ली नहीं है, अब वो कहता है उसका हस्बैंड कि उसने तलाक नहीं दी, ओके सो दिस अगेन बिकम्स कि ये एक रिश्ता हुआ ही नहीं, फटाफट जैसे ही मीडिया को पता चला उन्होंने शादी भी कर ली, फोटोज भी आ गए, मतलब हर चीज इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गई कि मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि अगर
अंजू वहां पर गई है, और अगर इंडिया ने भेजा है, जैसे जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने भेजा है, इंडिया को मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर वे में गई है। वो भले वो वहां पर वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और फिर आजकल जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, पबजी खेलकर ये सब आजकल चल रहा है। सो यू फर्स्ट थिंग, तो हम अभी तक भी कोई ये नहीं कह रहा है कि वो ISIS की प्लांटेड है, क्योंकि अभी तक ATS उसकी छानबीन कर रही है। द डे वी कम टू नो कि हाँ वो कुछ ऐसे मंशा लेकर आई है, ऐसे दिमाग में उसके फितूर चल रहा है, तो ऑफकोर्स वी आर बाउंड टू डिपोर्ट हर। एंड अंटिल एंड अनलेस उसका हस्बैंड वहां से उसको अगर नहीं भेजता है तलाक, आई डोंट थिंक सो उसकी मैरिज इज वैलिड। ये भले कितनी भी शादी कर ले, ऐसे ऐसे तो खेल खेल थोड़ी है। दिस इज नॉट अ जोक कि भाई आज आपने शादी कर ली, उसका फर्स्ट हस्बैंड ऑलरेडी है। दिस इज नॉट अ जोक। जी मुस्लिम इस्लाम के अंदर तो आप भी इस चीज को जानती होंगी, इस्लाम के अंदर तो तलाक पहले से, तलाक दूसरे के साथ शादी होती है, और पहले के साथ तब तक तलाक, सॉरी, शादी भी नहीं होती जब तक कि किसी दूसरे के साथ तलाक ना ली जाए, मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो क्या उसमें भी ये लाजिम है कि पहले से तलाक लेकर फिर दूसरे के साथ शादी होती है? क्या चीज है उसके अंदर, मतलब जी, तलाक? पहली बात तो अगर ऐसे डिफरेंशिएट करोगे तो आप अगर एक मुस्लिम और एक हिंदू के रिवाजों की बात करोगे और उनकी कल्चर की बात करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो लड़की शादी होती है मोस्टली, अब तो चलो जमाना बदल गया है, लेकिन मोस्टली तो पूरी जिंदगी भर के लिए होता है। ना वो आदमी किसी और से शादी कर सकता है, ना वो वुमेन किसी और से शादी कर सकती है। चलो कोई ऐसे हालात बन जाते हैं जहां पर उनको डिवोर्स ही इसका डिवोर्स ही सोल्यूशन है कोई चीज का, तो फिर वो लोग अगर ले लेते हैं तो फिर वापस से उसी आदमी से शादी नहीं होती है। कभी मैंने नहीं सुना है, आई डोंट थिंक सो कि मेरे सामने कभी ऐसा केस आया हो कि जिसने पहले अगर शादी की। और ये हलाला का जो प्रोसेस जो चलता है, जो मतलब कि आप किसी और के साथ हमबिस्तरी करो, उस पहले उससे निकाह करो, फिर उससे हमबिस्तरी करो, और फिर ही पहले आदमी के पास आप आ सकती हो, ये सब हिंदू रिलीजन में नहीं होता है। अगर उसको आना भी होगा, अगर वापस समझो उनको लगा कि उन्होंने गलती कर ली है और उनको वापस आना भी है, तो देर इज नो सच कंडीशन दैट यू हैव टू गो और आपको किसी और से जाके शादी करनी है और किसी और से हमबिस्तरी करनी है। और ये हलाला कहा जाता है, चाहे वो फिर वो कोई भी हो, चाहे वो देवर हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो दोस्त हो, ये सब नहीं होता है। स्पेशली इंडियन, हमारे यहाँ ऐसी ऐसे शादी इस तरीके से नहीं होती है। फिर से जी आपका अभी का नाम तो पूजा परवीन है, लेकिन जो मुस्लिम मतलब पहला लाम दाम था वो क्या था आपका? मैं पहले परवीन शिराजी थी, मेरा सरनेम शिराजी था। हम लोग ईरान शिराज से हैं, और वहां से मेरे जो परदादा थे वो वहां से आ गए थे इंडिया में। तो प्रॉपर नाम मेरा सरनेम शिराजी इसलिए था क्योंकि हम शिराज के थे, तो मेरा वही नाम था। जी अच्छा, बिल्कुल सही। अब मैम, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो एक छोटा सा उनके लिए मैसेज, और क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद काफी पाकिस्तानी मुझे अगेंस्ट समझेंगे, बट मैं उनको फिर भी क्लियर करूंगी, आप पहले मैसेज दे दें। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये बात अभी अगर मैं कहूंगी तो मैं ये कहती हूँ, अगर योर रिलीजन इज फॉर यू, अगर आप उसमें ठीक लगता है आपको, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यू नो यू हैव टू लीव इट। पहली बात तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलीजन बहुत पर्सनल होता है, दूसरे के रिलीजन को अगर आप नीचा दिखाओगे तो फिर आपके ऊपर भी वही, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर छींटे आएंगे, तो आप अगर दूसरों को गलत ठहराओगे तो वो रिएक्शन आपको आएगा ही। आज अगर दुनिया भर में अगर आप देखो तो आप देख रहे हो कि हर जगह कितनी कितना वायलेंस, कितना कितना अनरेस्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो आप ऐसे ऐसी अगर चीजों को छोड़कर थोड़ा बहुत अगर आप ये सोचो कि उस वक्त अगर 1400 साल पहले अगर कोई चीज थी, वो आज थोड़ी उसको डाइल्यूट होनी चाहिए, उसको थोड़ा बहुत रिफॉर्म होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत एक काफिर को अगर हम हमेशा उस नजर से ही देखेंगे तो दिस वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू टेक इट। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि और दूसरी बात ये है कि अगर आज का जो जो एक जनरेशन है, वो दिन रात सीमा और वो दूसरा उसका सचिन और तीसरी वो अंजू और नसरुल्ला, इनकी ही बातें करता है। पबजी में अब लोग जाते होंगे, लड़के बच्चे जाते होंगे देखने के लिए कि भाई चलो हम भी ट्राई करते हैं कुछ, कि हम
कैसे वायरल हो जाए। देखो आजकल के लोगों का दिमाग में ये चलता है कि हम वायरल कैसे हो, हमारा वीडियो वायरल कैसे हो, तो चलो हम कुछ करें। अब ये पबजी का जो बात है, हम एटलीस्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि पबजी जैसा कोई खेल भी होता है, लेकिन उससे कितना कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। और दूसरी बात ये है कि और क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या। तो आई थिंक कि जितना मीडिया इसको उछाल रहा है, जितना वहां पर और यहाँ पर दोनों जगह जिस तरीके से टाइम पास हो रहा है, जितना सर्कस बना के रखा है इसका, आई थिंक कि बहुत ज्यादा मुद्दे हैं हमारे कंट्रीज में जो एड्रेस करना चाहिए, रादर देन सीमा एंड रादर देन अंजू। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हमको देखना चाहिए कि इनके ऊपर बातें हों, ना कि ये फजूल जो दोनों कंट्रीज में हो रहा है। आई थिंक ये सब मीडिया का खेल है। एंड आई थिंक के मुझे एक और बात यहाँ पर जाने से पहले यही कहना है दैट अगर आप लविंग होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सामने वाला आपको प्यार ना करे। लेकिन जहां पर आप अगर इन द नेम ऑफ रिलीजन अगर आप अपनी हेट्रेड बताएंगे तो बट नेचुरल आपको वही से ही रिएक्शन मिलेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ जी। बिल्कुल सही मैम। मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी हमारे देखने वाले स्पेशली पाकिस्तानी व्यूवर्स को, क्योंकि अभी हमारी बात हुई है थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में, तो थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर इस चीज का कॉन्सेप्ट है कि इसको थोड़ा सा इस्लाम के खिलाफ या फिर थोड़ा सा इस तरह से समझा जाता है। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ये मैम की एक स्टोरी थी जो कि मैंने जानना चाहिए।